ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, परमार्थ चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। पौरोहित्य कर्म विधि इस पुस्तक के द्वारा अंत्येष्ट संस्कार के क्रम में यथासंभव ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। श्राद्धकर्ता अपने आसन पर प्रांग मुख होकर के बैठे, कुशादि को दाहिने हाथ में रखकर जन्य को शब्द करके आचमन एवं प्राणायाम करें। इसके पश्चात कुशा के द्वारा पात्र में से जल लेकर अपने ऊपर और श्राद्ध सामग्री की पवित्रता हेतु निम्न श्लोक का उच्चारण कर जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। तत्पश्चात् ओम श्राद्धभूम्यै नमः। ओम भगवत्यै गयायै नमः। ओम भगवते गदाधराय नमः। इन नामों का उच्चारण कर प्रणाम करें। तदुपरांत अपने दाहिने हाथ में कुश तिल और जल लेकर देश काल का स्मरण कर निम्न संकल्प करें। ओम अद्य अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य प्रेतत्व विमुक्त्यर्थम पितृ समत्व प्राप्त्यर्थम पाक्षिक प्रथम मासिक त्रैपाक्षिक द्वितीय मासिक तृतीय मासिक चतुर्थ मासिक पंचम मासिक ऊन साढ़ मासिक सप्तम मासिक अष्टम मासिक नवम मासिक दशम मासिक एकादश मासिक ऊनाब्दिक आब्दिके श्वश्वकाल कर्तव्यानि षोडश श्राद्धानि शपिंडे करणाधिकार सिद्ध्यर्थम एकोदिष्ट विधिना उत्तम षोडश श्राद्धमहं करिष्ये। गायत्री मंत्र का जप करके निम्न पितृ गायत्री का 3 बार उच्चारण करें। ओम देवताभ्यः पितृभ्यस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। तदुपरांत अपशब्य होकर दक्षिण की ओर मुख कर बाएं पैर को पृथ्वी पर गिराकर बाएं हाथ में पीली सरसों लेकर दाहिने हाथ से ढककर नीचे दिए हुए श्लोक का उच्चारण करें। ओम नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदं श्राद्धं ऋषिकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः। पूर्व में ओम प्राच्यै नमः, दक्षिण में ओम अवाच्यै नमः, पश्चिम में ओम प्रतीच्यै नमः, उत्तर में ओम उदीच्यै नमः, आकाश में ओम अंतरिक्षाय नमः, श्राद्ध भूमि में ओम श्राद्ध भूम्यै नमः। यह कहकर पीली सरसों और तिल को सभी दिशाओं में छोड़ें और नीवि बंधन करें। तदुपरांत किसी पात्र में जल लेकर पुष्प चंदन तुलसी डालकर निम्न मंत्रों का उच्चारण कर उसमें कुशा घुमावें। ओम जद्देवा देवा हे दानम देवा सश्चक्रीमा वायम्मा अग्निर्मा तस्मादे नासो विषवान् मुञ्चन्त वाग्ं हासाः यदि दीवा यदि नक्ता मेना गुंसिक्षा चक्रीमा वायम्मा
वायुर्मातसमादेनासो विषवान्मुञ्चन्त्वागुंहाशाः यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनागुंसि चक्रिमा वायं मा सूर्यो मातसमादेनासो विषवान्मुञ्चन्त्वागुंहाशाः। पुनः दाएं हाथ में कुश, तिल और जल लेकर यह संकल्प करें। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत पाक्षिक श्राद्ध इदम आसनम ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठताम। पुनः श्राद्धकर्ता अपने दाएं हाथ में कुश, तिल, जल लेकर यह संकल्प करें। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत मासिक श्राद्ध निमित्तक मिदमाशनम ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठताम इति द्वितीयमासनम दक्षिणाग्र मुत्सृजेत। इसी प्रकार से पंद्रहों आसन दान करें। पुनः दाएं हाथ में कुश, तिल, जल लेकर यह संकल्प करें। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत त्रिपाक्षिक श्राद्धे मिदमाचनम ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठताम इति तृतीय मुस्त्रजेत। एवं द्वितीयमाशिक, तृतीयमाशिक, चतुर्थमाशिक, पंचममासिक, ऊनषाण्मासिक, षाण्मासिक, सप्तममासिक, अष्टममासिक, नवमासिक, नवममासिक, दशममासिक, एकादशमासिक, ऊनाब्धिक, द्वादशमासिक। तदुपरांत ओम अपहता असुरा रक्षा गुंशी वेदिखदाः। इस मंत्र को पढ़ते हुए पितृतीर्थ से सभी आसन दान पर तिल छोड़ें। निम्न श्लोक का उच्चारण कर प्रेत का आवाहन करें। ओम इह लोकम परित्यज्य गतोसि परमांगतिम मनसा वायु रूपेण चटे त्वाहं निमंत्रये। तदुपरांत 15 आसन दान के आगे 15 पुटक दिया रह के निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम सन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीताये संजो रविस्रवन्तु नाः। तदुपरांत प्रत्येक दिए में जल छोड़ें। पुनः निम्न में श्लोक का उच्चारण कर तिल, गंध और पुष्प छोड़ें। ओम तिलो शिशोम दैवत्यो गोशवो देव निर्मितः प्रत्नमद्भिः प्रक्तः श्वधया पितरेण लोकान् प्रीणाहिनः स्वाहा। अर्घपात्र को बाएं हाथ में रखकर अर्घपात्र की पवित्री भोजन पात्र पर उत्तराग्र करके रखें। कर्म पात्र में से मोटक या कुशा डुबाकर भोजन पात्र वाली पवित्री पर जल छिड़कें और दाएं हाथ से अर्घ पात्र को ढकें। इसके पश्चात प्रथम पात्र को बाएं हाथ में लेकर पवित्री छोड़ कर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम या दिव्या आपः पयसा शंभो वरिया आंतरिक्षा उत पार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णा जज्ञेयास्ता न आपाः शिवाः शगुंशो नाः सुभावा भावन्तो। मंत्र की समाप्ति के उपरांत दाएं हाथ में कुशा, तिल और जल लेकर यह संकल्प करें। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत पाक्षिक श्राद्धे एष हस्तार्घस्ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठताम। इसका उच्चारण कर पवित्री के ऊपर आधा जल छोड़ें। पुनः पवित्री भोजन पात्र से उठाकर अर्घ पात्र में रखें। आसन दाएं के बाईं ओर पवित्री सहित अर्घ पात्र को ढक दें। इसी क्रम से शेष 15 अर्घ पात्र दान करें। इसके उपरांत गंधादि दान हेतु पुष्प, धूप, दीप, वस्त्रादि आसन दान पर चढ़ावें।
अपने दाहिने हाथ में कुशा तिल और जल लेकर यह संकल्प करें, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत पाक्षिकात आरभ्य द्वादश मास पर्यंतम एतेषु श्राद्धेषु गंध पुष्प धूप दीप तांबूल पूगी फलवासांसी एकतंत्रेण ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठन्ताम्। यह कहकर हाथ का जल छोड़ दें। गंधादि दान के उपरांत हाथ में जल लेकर आसन दान के बाईं ओर से सभी का मंडल करें। इसके उपरांत पलाश के पत्ते पर अन्न घृत मधु तिल लेकर दाहिने हाथ में कुशा सहित जल लेकर इन वाक्यों का उच्चारण करें, ओम इदम् अन्नम् एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः। दक्षिण दिशा में पत्ते पर इस अन्न को भूमि पर रख दें। 15 भोजन पात्रों पर अन्न परोसें, उस पर घृत मधु इत्यादि व्यंजन रखें। निम्न मंत्रों से अभिमंत्रित करें, ओम मधुवाताय ते मधुक्षरंति सिंधवा माधवीर्ना शोखधी मधुनक्तमुतोख शो मधुमत्थिवघुंगजा मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्या माधवीर्गावो भावन्तु नः। मंत्र की समाप्ति के पश्चात 3 ओम मधु 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 यह कहें। तदुपरांत ततो व्यस्ताभ्याम हस्ताभ्याम अन्नपात्रमालभ्य ओम पृथिवीं ते ओम इदं विष्णु ओम कृष्ण कव्यमिदं रक्षयमदीयम् इति पठित्वा इदम् अन्नम्। आगे दिए गए मंत्र का उच्चारण कर सभी दिशाओं में पुनः काले तिल छुक को छोड़े। ओम अपहता असुरा रक्षा गुशिवेदि खदाहा। पुनः बाएं हाथ से पात्र का स्पर्श कर दाएं हाथ में कुशा तिल और जल लेकर यह संकल्प करें, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत पाक्षिक श्राद्धे इदम् अन्नम् घृताद्युपस्कर सहितम् ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्। इसी प्रकार से अनेनैव क्रमेण मासिक त्रैपाक्षिक द्वितीय मासिक तृतीय मासिक चतुर्थ मासिक पंचम मासिक ऊन षाण मासिक सप्तम मासिक अष्टम मासिक नवम मासिक दशम मासिक एकादश मासिक ऊनाब्धिक द्वादश मासिक श्राद्धेषु गेयम्। श्राद्धकर्ता एक एक पात्र में स्थित अन्न के ऊपर अपना हाथ लगावे। उपरोक्त कर्म को करने के पश्चात जनेऊ को शब्द कर पूर्वाभिमुख हो। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। 3 इस पितृ गायत्री का उच्चारण करें। पुनः अपशब्द होकर दक्षिण दिशा की ओर घूम जावें। पिंड के लिए वेदी का निर्माण करें और सभी वेदियों पर 3 कुशा रखें और उनके आगे एक एक पुटक रख उसमें जल तिल कुशा चंदन छोड़ें। फिर पुटक हाथ में लेकर यह संकल्प करें, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत पाक्षिक श्राद्धे पिंड स्थाने अत्रावने निक्ष्वे ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्। पुनः ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत प्रथम मासिक श्राद्धे पिंडस्थाने अत्रावने निक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्। इसी प्रकार द्वितीय मासिक आदि की वेदियों पर भी संकल्प द्वारा अवनेजन का आधा जल पिंड के ऊपर गिरावें और आधा जल उसी प्रकार रख दें। तदुपरांत प्रथम पिंड कुशा तिल और जल अपने दाएं हाथ में लेकर निम्न संकल्प करें,
ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत पाक्षिक श्राद्ध एष पिंडस्थे पिंडस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। यह कहकर प्रथम वेदी पर पिंड रख दें। पुनः ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत प्रथम मासिक श्राद्धे एष पिंडस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। यह कहकर पिंडदान करें। इसी प्रकार त्रिपक्षिक और द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, चतुर्थ मासिक, पंचम मासिक, ऊनषाण्मासिक, षाण्मासिक, सप्तम मासिक, अष्टम मासिक, नवम मासिक, दशम मासिक, एकादश मासिक, ऊनाब्धिक, द्वादश मासिक श्राद्धेषु गेयम्। इस प्रकार से श्राद्ध में अलग अलग पिंड प्रदान करें। इसके पश्चात अपने हाथ को जल से धो लें और शब्द होकर आचमन करें और भगवान विष्णु को निम्न श्लोक के द्वारा ध्यान करें। ओम अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षय्यः पुंडरीकाक्षः प्रेतमोक्ष प्रदो भव। पुनः श्राद्धकर्ता जनेऊ को अपशब्द करके अवनेजन पात्र को अपने दाएं हाथ में लेकर यह संकल्प को करें। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत पाक्षिक श्राद्ध पिंडे अत्र प्रत्यवने निक्ष्वते ते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। इस प्रकार से प्रथम पिंड के ऊपर प्रत्यवनेजन प्रदान करें। इसी क्रम से पंचदश श्राद्ध के ऊपर इसी प्रकार प्रत्यवनेजन दें। पुनः पिंड के समीप नीवी निकाल दें, शब्य होकर आचमन करें और अपशब्य होकर प्रत्येक पिंड के ऊपर सफेद सूत रखें। फिर दाएं हाथ में कुशा तिल और जल लेकर यह संकल्प करें। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत पाक्षिकादि द्वादश मासिकांत षोडश श्राद्ध पिंडोपरि एतानि वासांसि ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठान्ताम्। तदुपरांत 16 पिंडों पर गंध, पुष्प, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूगी फल सहित ओम दक्षिणा रखें। फिर यह संकल्प करें। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत पाक्षिकादि षोडश श्राद्ध पिंडेषु जद्दत्तं गंधाद्यर्चनं तवोपतिष्ठताम्। यह कहकर सभी उपरोक्त वस्तुएं छोड़ें। इसके पश्चात 15 भोजन पात्रों पर जल छोड़ें। शिवा आपह जलम सौमनस्यस्तु पुष्पम अक्षतम चारिष्टम चास्तु तांडुलान। यह कहकर तिल छोड़ें। पुनः अपने दाएं हाथ में कुशा तिल और जल लेकर यह संकल्प करें। ओम अद्य अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य पाक्षिक श्राद्धे दत्तै तदन्न पानादिकम् अक्षय्यम् उपतिष्ठताम्। इसी प्रकार मासिकादि पंचदश श्राद्धेषु क्रमेण षष्ठी विभक्त्या अक्षय्योदकम् दद्यात्। इस कर्म के पश्चात प्रत्येक पिंडों के ऊपर सपवित्र रखें और उसके ऊपर तिल सहित दूध और जल की धारा दक्षिणाग से प्रदान करते हुए निम्न श्लोकों का उच्चारण करें। ओम अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षय्यः पुंडरीकाक्षः प्रेतमोक्ष प्रदो भव अतसि पुष्प संकाशम पीतवास समच्युतम ये नमस्यन्ति गोविंदम अतीसाम विद्यते भयम् कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वा मगतीनां गतिर्भव संसाराणवमग्नानां
प्रसीद पुरुषोत्तमा नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत जनार्दन अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्ष प्रदो भव हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ताव्यक्त स्वरूप धृत अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थम सुप्रीतो भव सर्वदा। पुनः इस मंत्र का उच्चारण करके जलधारा प्रदान करें। ओम ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयाः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थ तर्पयत मे पितरीन्। रजत दक्षिणा दान का संकल्प, रजत चांदी द्रव्य कुशातिल और जल लेकर निम्न संकल्प करें। ओम अद्य अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य प्रेतत्व निवृत्त्यर्थम पाक्षिक पाक्षिक दारभ्य द्वादश मास पर्यन्तम् श्राद्ध प्रतिष्ठार्थम इदम् रजत निष्क्रय द्रव्यम यथा मूल्यो मूल्योकल्पितम् द्रव्यम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुम अहम् उत्सृज्ये। इसके पश्चात पिंडों को उठाकर शुंघें और चट विसर्जन इस प्रकार से करें। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। इस गायत्री का 3 बार उच्चारण करें। रक्षादीप को बुझा दें, हाथ पैर को धोकर पुनः शब्द होकर आचमन करें। इस कर्म की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु की निम्न श्लोकों द्वारा प्रार्थना करें। ओम प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः यस्मृत्वाचमाचनामोक्त्या तपोजग्रक्रियादृशु मुनून्यं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इति उत्तम षोडश श्राद्धम्। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से हमने उत्तम षोडश श्राद्ध की विधि संपूर्ण जानकारी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे के क्रम में द्वादश साहपिंडम इसके बारे में बताएंगे। अगर आप यह संपूर्ण श्राद्ध की जानकारी आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति। ओम शांति।